नए साल से पहले पहाड़ सैलानियों की पहली पसंद बन चुके हैं, जिसकी गवाही लाहौल स्पीति की सड़कें बखूबी दे रही हैं। न्यू ईयर के जश्न को लेकर लोगों में इसका खासा उत्साह नजर आ रहा है। अगली तस्वीरें भी हिमाचल के शिमला से निकल कर आ रही है। यहाँ चल रहे विंटर कार्निवल पर पर्यटकों का जबरदस्त जमावड़ा देखने को मिल रहा है, जो लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। आज 58 साल के हुए बॉलीवुड के दबंग भाईजान सलमान खान मुंबई में बर्थडे विश करने के लिए सलमान के घर के बाहर फैंस का तांता लगा। इस मौके पर सलमान ने अपने फैंस का अभिनंदन स्वीकार किया। ये तस्वीरें मुंबई के ठाणे से निकल कर आ रही है। यहाँ कल्याण महोत्सव का आयोजन किया गया भव्य तरीके से। समारोह में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। कलाकारों ने लावड़ी डांस की भी भव्य प्रस्तुति। तस्वीरें असम के गुवाहाटी की हैं। यहां दूसरा अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में खरीदारों ने पहुंचकर इस मेले में हिस्सा लिया। असम पारंपरिक परिधानों के काउंटर भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन किया। कई तरीके के खेलों का यहां पर आयोजन किया गया। ग्राउंड पर मुख्यमंत्री खुद भी खेल का लुत्फ उठाते नजर आए। नजारा चंडीगढ़ का है। यहां दिव्यांग इंडियन क्रिकेट लीग का आगाज हुआ है। पंजाब के गवर्नर बनवारी पुरोहित ने आयोजन का शुभारंभ किया। 23 राज्यों और 3 विदेशी देशों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के हिसार से निकल कर आ रही हैं। यहां आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई की शादी के रिसेप्शन में कड़े कई बड़े नेता वहां पर शामिल हुए। उन्होंने शिरकत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर वधु का आशीर्वाद दिया। मुंबई पुलिस लोगों के बीच हॉर्न न बजाने का संदेश फैलाने की मुहिम में जुटी है। इस काम में स्कूलों और मदरसों के छात्रों को तैनात किया गया है। बच्चों ने बेवजह हॉर्न न बजाने की लोगों से अपील की।